बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र स्वप्न वासव दत्तम पंचम अंक 11 से 13 पद्य षष्ठ अंक 1 से 4 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा सहाचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवा। स्वप्न वासव दत्तम के पंचम अंक का 11वां श्लोक। यो अयम संत्रस्तया देव्या तया बाहुर निपीड़ितः स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पर्शो रोम हर्षम न मुंचति। अन्वय संत्रस्तया तया देव्या निपीड़ितः य अयम बाहु स्वप्ने अपि संस्पर्शः उत्पन्न रोम हर्षम न मुंचति। संत्रस्तया अत्यंत भयभीत तया उस देव्या देवी वासव दत्ता के द्वारा यह जो अयम यह बाहुभुजा निपीड़ित दबाई गई स्वप्ने स्वप्ने में उत्पन्न संस्पर्श स्पर्श होने पर अपि भी रोम हर्षम रोमांच को न मुंचती नहीं छोड़ रही है। शब्द अनुवाद अत्यंत भयभीत देवी वासव दत्ता ने मेरा जो हाथ पकड़ा था सपने में स्पर्श होने पर भी अभी तक अर्थात जागने के बाद भी रोमांचित हो रहा है। कहीं कोई देख न ले इस भय से भयभीत देवी वासव दत्ता के द्वारा दबाई गई ये जो भुजा है वह स्पर्श जन्य आनंद से उत्पन्न रोमांच को नहीं छोड़ रही है। राजा उद्यन को विश्वास है कि साक्षात वासव दत्ता के स्पर्श से ही रोमांच हो रहा है, अतः वासव दत्ता के जीवित होने में अब संदेह नहीं है। उत्पन्न संस्पर्शो यस्य स उत्पन्न संस्पर्श बहुव्रीहि समास रोम नाम हर्ष रोम हर्ष तम रोम हर्षम षष्ठी तत्पुरुष समास। संत्रस्तया संत्रिस कत प्रत्यय टाप टाप निपीड़ित निपीड़ कत प्रत्यय। 12वां पद्य। भिन्ना ते रिपुव भवद गुणरता पौरा समाश्वासिता पाशनी यापी भवद प्रयान समय तस्य विधानम कृतम यत यत साध्यम अरि प्रमाथ जन्म तत तत मया अनुष्ठितम तीना चापी बले नदी त्रिपदका वत्साश्च हस्ते तप। अन्वय ते रिप भिन्ना भवद गुणरता पौरा समाश्वासिता अपि भय भवद प्रयान समय य पाशनी तस्य विधानम कृतम अरि प्रमाथ जन्म यत यत साध्यम तत तत मया अनुष्ठितम त्रिपद गानती बलै तीना वत्सा च तव हस्ते। अन्वय ते रिप भिन्ना भवद गुणरता पौरा समाश्वासिता अपि भवद प्रयाण समय या पाशनी तस्या विधानम कृतम अरि प्रमात जन्म यत यत साध्यम तत तत मया अनुष्ठितम त्रिपदगा नदी बलैहि तीना वत्सा च तव हस्ते सन्ति। शब्दार्थ हे महाराज ते रिप आपके सभी शत्रुगण भिन्ना छिन भिन कर दिए गए हैं। भवद गुणरता आपके गुणों से प्रेम करने वाले पौरा नगरवासी समाश्वासिता आश्वस्त कर दिए गए हैं। भवद प्रयाण समय आपके प्रस्थान के समय या जो पाशनी आपके पीछे चलने वाली रक्षक सेनाएं तस्या उसकी भी विधानम रचना कर ली गई है। अरि प्रमाद जन्म शत्रु का संहार करने के लिए यत यत जो जो साध्य करने योग्य कार्य हैं तत् सर्वम व सब मया मगधराज दर्शक के द्वारा अनुष्ठितम कर लिया गया है। अपिच और भी बलई सेनाएं त्रिपदगा नदी गंगा नदी तीना पार कर चुकी हैं च अब वत्सा वत्स राज्य तब आपके हस्ते हाथ में ही है। अनुवाद आपके शत्रु छिन्नभिन्न कर दिए गए हैं। गुणानुरागी नागरिक आश्वस्त कर दिए गए हैं। आपके प्रस्थान के समय पीछे पीछे जाने वाली रक्षक सेना का प्रबंध हो चुका है। मैंने शत्रु संहार के योग्य सभी कार्य कर लिए हैं। यहाँ तक कि सेनाएं भी गंगा पार कर चुकी हैं। अब आप वत्स राज्य को अपने हाथ में ही समझिए। आपके शत्रु साम दाम दंड भेद आदि नीतियों से तोड़ दिए गए हैं अर्थात उनमें फूट पैदा कर दी गई है। आपके गुणों में अनुरक्त नागरिक पूर्णतः आश्वस्त कर दिए गए हैं। आपके युद्ध के लिए प्रस्थान करने के समय पीछे चलने वाली सेना के भाग को भी व्यवस्थित कर दिया गया है। शत्रु के नाश को करने वाला जो जो कार्य है वह मैंने कर दिया है।
और सेनाओं के द्वारा गंगा नदी पार कर ली गई है, वस देश आपके अधीन हो चुका है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रंगमंच पर युद्ध आदि क्रियाओं का प्रदर्शन वर्जित है। इसी से नाटककार ने युद्ध वृतांत कांचुकीय के द्वारा कहलवा दिया है। त्रिपथगा गंगा की तीन धाराएं आकाश, पृथ्वी और पाताल लोक में बहती हैं, इसी कारण गंगा को त्रिपथगा कहा जाता है। भिन्ना विद कथा प्रस्तुत पद्य में शार्दुल विकीर्त छंद है। 13वां पद्य, उपेत्ते नागेंद्र तुरंग तीर्णे तम आरुणिम दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण बानोग्र तरंग भंगे मांडवावे युधि नाश्यामी। अन्वय, नागेंद्र तुरंग तीर्णे विकीर्ण बानोग्र तरंग भंगे मांडवावे युधि उपेत्ते दारुण कर्म दक्षम तम आरुणिम नाश्यामी। अहम मैं राजा उदयन, नागेंद्र तुरंग तीर्णे हाथी और घोड़े से पार किए गए, विकीर्ण बानोग्र तरंग भंगे उमड़ती हुई प्रबल लहरों की तरह चलाए गए भयंकर बाणों से युक्त। उमड़ती हुई प्रबल लहरों की तरह चलाए गए भयंकर बाणों से युक्त महाअरण्यवे महासागर के समान, युधि युद्ध में दारुण कर्म दक्षम क्रूर कार्य करने में चतुर, तम आरुणिम उस आरुणि को उपेत्य आक्रमण करके नाश्यमी नष्ट कर दूंगा। अनुवाद, श्रेष्ठ नागों अर्थात सर्पों और जल अश्वों से पार किए गए उग्र लहरों वाले महासागर की तरह गजराज और घोड़ों से भरे हुए तथा चलाए गए बाणों से भयंकर युद्ध में मैं क्रूर कार्य करने में चतुर उस आरुणि को आक्रमण करके मार डालूंगा। पुनः एक बार, मैं श्रेष्ठ हाथियों तथा घोड़ों द्वारा पार किए गए बिखेरे गए बाण रूपी चंचल लहरों वाले महासमुद्र के समान युद्ध में समीप पहुँच कर उस कठोर कर्म करने में कुशल आरुणि को नष्ट कर देता हूँ। प्रस्तुत पद्य में युद्ध की उपमा महासागर से दी गई है। जैसे महासागर में सर्प जल हस्ती दरियाई घोड़े तैरते रहते हैं, वैसे युद्ध में हाथी घोड़े घूम रहे हैं, तथा जैसे सागर उत्ताल तरंगों से उद्वेलित होता है, उसी तरह यहाँ बाणों की वर्षा हो रही है। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है, उपेंद्र वज्रा छंद है। उपेत्य उप ई लिप नाशामी नश निच लट उत्तम पुरुष एक वचन युधि युद्ध क्विप। यह युद्ध शब्द स्त्रीलिंग है, फिर भी बास ने पुल्लिंग प्रयोग किया जो अपाणिनीय है। विशेष, यह ऐसा प्रतीत होता है कि उदयन के राजा दर्शक की सहायता से आरुणि को हरा कर अपना राज्य वापस ले लिया है और वे राजधानी कौशाम्बी लौट आए हैं। कुछ समय बीतने पर राजा ने सूर्यमुख महल में वासव दत्ता की वीणा कोशवती की ध्वनि सुनी। वे तुरंत उस वीणा वादक के पास पहुंच गए। उसने वीणा मिलने की बात सुनकर उदयन को उसे सौंप दिया। राजप्रसाद से उतरते समय द्वारपालिका ने मां सेन के कांचुकी और वसुंधरा धात्री के आगमन की सूचना दी। यहाँ से आगे षष्ठ अंक की कथा प्रारंभ होती है। सभी पात्र चले जाते हैं। पंचम अंक समाप्त। अथ षष्ठो अंक, षष्ठम अंक का प्रथम पद्य। श्रुति सुख निनदे कथम नु देव्य स्तन युगले जगन स्थले च सुप्ता व्यगण रजो विकीर्ण दंडा प्रति भयम अद्यूषित अदुषिता असी अरण्य वासम। अन्वय, श्रुति सुख निनदे देव्या स्तन युगले जगन स्थले च सुप्ता व्यगण रजो विकीर्ण दंडा प्रति भयम अरण्य वासम कथम नु अद्यूषिता असी। अन्वय, पुनः एक बार, अहि श्रुति सुख निनदे देव्या स्तन युगले जगन स्थले च सुप्ता व्यगण रजो विकीर्ण दंडा प्रति भयम अरण्य वासम कथम नु अदूषिता असि। शब्दात अहि श्रुति सुख निनदे, अरे कानों को आनंदित करने वाली ध्वनि से युक्त वीणे, त्वम तुम पूर्वम पहले देव्या देवी वासव दत्ता के स्तन युगले स्तनों पर जगन स्थले च और जांघों पर सुप्ता सोती थी, फिर तुमने व्यगण रजो विकीर्ण दंडा पक्षियों से उड़ाई गई धूली बीट आदि से मलिन दंड वाली होकर प्रति भयम भयानक अरण्य वासम जंगल वास कथम नु क्यों अदूषिता स्वीकार किया।
अनुवाद, अरे कानों को सुखद ध्वनि सुनाने वाली वीणा, तुम तो महारानी वासवदत्ता के स्तनों और जांघों पर सोया करती थी, फिर अब पक्षियों की धूली पीठ आदि से मलिन होकर भयानक जंगल में क्यों रहने लगी? और भी अरी घोषवती, तुम स्नेह शून्य भी हो जो बेचारी वासवदत्ता को याद नहीं करती हो। कानों के लिए मधुर ध्वनि देने वाली देवी वासवदत्ता की जांघों तथा स्तन युगलों पर सोई हुई, पक्षियों के झुंड द्वारा धूल के साथ बिखेरे गए दंड वाली, हे वीणे तुम कैसे भयानक जंगल में रह रही हो? प्रसंत प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद तथा स्मरण अलंकार है। उद्यन का कहने का आशय यह है कि घोषवती वीणा निर्जीव की भी वासवदत्ता के वियोग में बड़ी दुर्गति हो रही है, तो मेरे जैसे सजीव प्राणी की तो दुर्गति होना स्वाभाविक ही है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि समय का प्रभाव निर्जीव सजीव दोनों पर पड़ता है। प्रस्तुत पद्य में स्मरण अलंकार है। दूसरा पद्य, श्रोणी समुद्वान पार्श्वनी पीड़ितानी खेद स्नान स्तनांतर सुखानी उपगुहितानी उद्देश्य माम च विरे परिदेवितानी वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि। अन्वय, श्रोणी समुद्वहन पार्श्वनी पीड़ितानि खेद स्तनांतर सुखानि उपगुहितानि उद्दिश्य माम च विरे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि। हे घोषवती, त्वं तुम श्रोणी समुद्वन पार्श्वनी पीड़ितानी कमर पर ढोना अथवा बगल में तुझे तबा, खेद स्तनांतर सुखानी थकने पर स्तनों के बीच में तुझे सुखपूर्वक सुलाना, उपगुहितानी आलिंगन करना च पुनः और फिर विरह वियोग में माम मुझे उद्यन को उद्देश्य लक्ष्य बनाकर परिदेवितानी विलाप करना, वाद्यांतरेषु वीणा बजाते समय बीच बीच में सस्मितानी मुस्कुरा कर कथितानी बातें करना, न स्मर से कुछ भी याद नहीं करती हो। अनुवाद, अरे घोषवती तुम स्नेह रहित हो जो कि वासवदत्ता के द्वारा गोद में रखना बगल में दबाना थक जाने पर स्तनों के बीच में सुखपूर्वक आलिंगन करना वियोग अवस्था में मुझे लक्ष्य करके विलाप करना तथा वीणा बजाते समय बीच बीच में मुस्कुराते हुए बात करना इत्यादि सभी बातों को याद नहीं कर रही हो। वीणा वादन करते समय जंघाओं पर धारण की जाती हुई वीणा के दोनों पृष्ठ भागों का आलिंगन करती हुई थकान हो जाने पर स्तन युगल के मध्य सुखदायक आलिंगनों को तथा विरह अवस्था में मुझे संबोधित करके किए गए विलापों को तथा वीणा वादन के मध्य अवकाश में मुस्कुरा कर गए हुए वचनों को क्या याद नहीं करती हो? प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। समुद्वानम समुद्व लुप्त नी पीड़ितानी नी पीड़ निच कतः प्रत्ये सुखानी सुख निच अच उपगुहितानी उपगुह कतः उपगुह कतः उद्देश्य उद्दिश लिप स्मितम जिस हास्य में आंख कुछ खुली होती है और होठ कुछ हिलता है उसे स्मित कहते हैं। शोण्या समुद्वानी शोणी समुद्वानी तृतीय तत्पुरुष समास, पार्श्वे निपीड़ितानी पार्श्व निपीड़ितानी तृतीय तत्पुरुष समास, श्रोण श्रोण श्रोणसी समुद्वानी च पार्श्व निपीड़ितानी च इति श्रोणी समुद्वान पार्श्व निपीड़ितानी द्वंद्व समास, स्तनयो अनंतरम स्तनांतरम तस्मिन् सुखानी इति
स्तनांतर सुखानी, खेदे स्तनांतर सुखानी इति खेद स्तनांतर सुखानी। सप्तमी तत्पुरुष वाद्यस्य अंतरानी वाद्यांतरानी तेषु षष्ठी तत्पुरुष समान स्मितेन सहितानी सस्मितानी। तृतीय पद चे सुप्त कामो वे मे वीण्या प्रतिबोधितः ताम तो देवीम न पश्चामि यस्या गोष्वती प्रिया। अन्वय मे चेत सुप्त काम वीणया प्रतिबोधित यस्या गोष्वती प्रिया ताम देवीम तु न पश्चामि। चे सुप्त बहुत दिनों तक सोए वे मे मेरे काम को प्रेम को वीणया वीणा ने प्रतिबोधित जगा दिया। गोष्वती गोष्वती वीणा यस्या जिसे प्रिय प्रिय प्रिया प्रिय थी ताम देवीम उसी देवी वासव दत्ता को तू तो न पश्चामी नहीं देख रहा हूँ। इस वीणा गोष्वती ने मेरे बहुत दिनों से सोए हुए प्रेम को जगा दिया, किंतु जिसे ये वीणा बहुत प्यारी थी आज उस देवी को नहीं देख रहा हूँ, इसका हार्दिक कष्ट है। चिरकाल से सोए हुए मेरे अनुराग को इस वीणा द्वारा जगा दिया गया है, परंतु उसकी यह गोष्वती प्रेम पात्र है उस देवी वासव दत्ता को नहीं देख रहा हूं। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। चिरम प्रसुप्त इति चिर सुप्त प्रतिबोधित प्रतिबुद्ध निच कत प्रिया प्री क टाप काम काम निंगन। प्रियतमा वासव दत्ता की अत्यंत प्यारी वीणा को देखकर उदयन का अनुराग पुनः उद्दीप्त होता है, पर प्यारी वासव दत्ता को न देखकर वे और अधिक व्याकुल हो जाते हैं। वियोग अवस्था में प्रिया की प्रिय वस्तुओं को देखकर दुख का वेग और अधिक बढ़ जाता है। इसी का स्वाभाविक चित्रण नाटककार पास ने अत्यंत सहज भाव से प्रस्तुत किया है। चौथा पद्य किम वक्षति इति हृदय परिशंकितम मे कन्या मया अपि अप्रीता न च रक्षिता सा भाग्ये चले महत अवाप्त गुणोपघात पुत्र पितुर्जनित रोष इव अस्मि भीतः। अन्वय किम वक्ष्यति इति मे हृदयं परिशंकितं मया कन्या अपि अप्रिता सा च न रक्षिता चलै भाग्ये महत अवाप्त गुणोपघात पितु जनित रोष पुत्र एव भीतः अस्मि। शब्दार्थ किम क्या वक्ष्यति कहेंगे इति इस विषय में मे मेरा अपि भी हृदयं हृदय परिशंकितम शंकित हो रहा है कन्या पुत्री वासव दत्ता मया मेरे द्वारा अपरिता अपहरण कर ली गई हर ली गई न च सा रक्षिता पर उसकी रक्षा नहीं की जा सकी चले चंचल भाग्य ही भाग्यों से महद अवाप गुणोपघात गुरुजनों के प्रति अपराध करने वाला मैं पितु पिता से जनित रोष अपराधी पुत्र पुत्र की एव तरह भीतर डरा हुआ हूँ। क्या कहेंगे इस विषय में मेरा भी हृदय शंकित हो रहा है पुत्री वासव दत्ता मेरे द्वारा हर ली गई पर उसकी रक्षा नहीं की जा सकी चंचल भाग्यों से गुरुजनों के प्रति अपराध करने वाला मैं पिता के अपराधी पुत्र की तरह डरावा हूँ। अनुवाद मेरे मन में भी शंका हो रही है कि वे क्या कहेंगे क्योंकि मैंने उनकी कन्या वासव दत्ता का हरण तो किया पर उसकी रक्षा नहीं की अपने चंचल भाग्य के चक्कर में पड़कर मैंने गुरुजनों के प्रति अपराध किया है। अपराधी पुत्र जैसे क्रोधित पिता से डरता है वैसे ही मैं महाराज मानसेन से डर रहा हूँ। क्या कहेंगे यह सोचकर मेरा मन सशंकित है मैंने उनकी पुत्री का अपहरण भी किया उसकी रक्षा भी नहीं की चंचल भाग्य के द्वारा अथवा भाग्य की प्रतिकूलता से गुरुजन अपनी अर्थात अपनी पत्नी के पिता जैसे महान व्यक्ति के प्रति जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है ऐसा मैं पिता के क्रोध को उत्पन्न करने वाले पुत्र के समान डरावा हूँ। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है। वसंतिल का छंद है परिशंकितम परिशंक कथा पद्य वक्ष्यति वच लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन चल चल भाग्यम भज न्यत उपगात उपहन घन प्रत्यय अप्रीता अप्रीत टाप प्रत्यय रक्षिता रक्ष कत प्रत्यय टाप
फिर से एक बार, क्या कहेंगे यह सोचकर मेरा हृदय सशंकित है। मैंने उनकी पुत्री वासवदत्ता का अपहरण भी किया और उसकी रक्षा भी नहीं की। चंचल भाग्य के द्वारा अथवा भाग्य की प्रतिकूलता से गुरुजन अर्थात अपनी पत्नी के पिता जैसे महान व्यक्ति के प्रति जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, ऐसा मैं पिता के क्रोध को उत्पन्न करने वाले पुत्र के समान डरा हुआ हूँ। पितु जनित रोष पुत्र एव, इसमें उपमा अलंकार है।